बता दें कि आपकी जो कामयाबी है वो यकीनन मुखालफिन से अब तक हजम नहीं हो रही, और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो गली गली कोचे कोचे जाके रुकावटें पैदा करेंगे और आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो ये सिलसिला ये काम करने देंगे आपको? एक तो ये बताएं, दूसरा ये कि उनके पास जाने का भी प्रोग्राम है मुखालफिन के पास, वो कब से शुरू करेंगे? क्योंकि शहर को इस वक्त नफ़रतें ख़त्म करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, मैंने एक फ़ैसला ये किया, हमारी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है, हम सब ने बैठ के बात की और हमने फ़ैसला ये किया कि तनकीद का जवाब हम काम से देंगे। जितनी तनकीद जिनको करनी है हम उसका जवाब नहीं देने वाले। हम आगे देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कैसे शहर की आवाम की खिदमत की जा सकती है। तनकीद बराए तनकीद करने से, तनकीद का जवाब देने से हम ना मसाइल हल कर सकते हैं ना लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मैं आज दोपहर में 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अपनी सीनियर क़यादत के साथ, वो अभी आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर ली जाएंगी। उसमें जो रोड मैप हमने कराची शहर के लिए बनाया है सिंध हुकूमत के तआवुन के साथ, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि उनको जितनी तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहें, हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नज़र आएगा।